कोरोना वायरस की कहर को देखते हुए आगरा गेट सब्जी मंडी में शहरवासियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। इस महामारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सब्जी मंडी में आने वाले तमाम ग्राहकों को बिना मास्क के अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं एक परिवार से एक ग्राहक को प्रवेश दिया जा रहा है। अजमेर में लॉकडाउन के चलते केवल आवश्यक दुकानें ही खुली हैं। इसके बावजूद भी लोगों की संख्या भी बाजारों में अत्यधिक देखने को मिली। अजमेर में अब तक 7 संदिग्ध जेएनएल अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं कोरोना संदिग्ध मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 36,000 घरों में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर बाजार में किस तरह के हाल हैं, सब्जी मंडी में ग्राहकों व दुकानदारों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है और लोग कितने जागरूक हैं? हाँ साहब, 2-3 दिन बंद था बाजार। अब जैसे सब्जी मंडी परचून की दुकानें ये थोड़ा खुला रखा है तो हमारा सही चल रहा है बाजार मॉल। घर वगैरह गृहस्थी ये तो हाल खराब थे साहब। मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा ये काम करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो जैसे चलना चलेगा ना, कल ना मर गया कोई तो फिर उसको जिंदगी वैसे खत्म हो जाएगी साहब। तो आप सही मानते हैं? हाँ सही मानते हैं साहब। सब्जी मंडी में जनता कर्फ्यू के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल भी हो गया था, जिसे लेकर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को व्यवस्थित करते हुए लोगों को एक एक कर आने की अनुमति दी गई। सब्जी मंडी में भी बंद करवाई गई है जो गेट है, उसके द्वारा भीड़ काफी है। सरकार की तरफ से 31 मार्च तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ धारा 144 भी लगी हुई है तथा कोरोना वायरस जो है ज़्यादा भीड़ होने से फैलने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है। इस तथ्य को देखते हुए पुलिस जाब्ता यहाँ लगाया गया है तथा हमारा प्रयास ये नहीं है कि सब्जी मंडी को हम बंद करें। हमारा ये प्रयास है कि एक समय में बहुत ज़्यादा लोग सब्जी मंडी में नहीं आए तथा मेरा ये भी कहना है कि जैसे सब्जी मंडी, दवाइयों की दुकान, ATM वगैरह और भी जो ज़रूरी पेट्रोल पम्प वगैरह है वो सरकार ने खुले रखे हैं और पुलिस प्रशासन का उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कभी भी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे भीड़ भी करेंगे, बस मेन उद्देश्य हमारा यही है कि एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि वायरस जो है वो जहाँ भीड़ होती है वहाँ भीड़ के माध्यम से ही ज़्यादा फैलता है।